Hello friends, welcome back to my channel Thorough Studies. English grammar का आज हमारा part 4 B है. इससे पहले के part में हमने pronoun का part 4 A देखा था. तो आज हम इसका next part discuss करेंगे. This video is presented by me. My name is Jyoti. अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है, तो इसे subscribe करें. अच्छा लगे तो share करें, like करें. चलिए आज की video शुरू करते हैं. लास्ट वीडियो में हमने प्रोनाउंस के बहुत सारे रूल देखे थे, लेकिन उसमें एक दो रूल रह गया था जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन टैग्स को हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, इनके रूल्स क्या हैं, कैसे लगते हैं. कोई भी क्वेश्चन टैग सेंटेंस के एंड में लगेगा या उसकी बिगनिंग में लगेगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कैसा होगा. ठीक है, वैसे क्वेश्चन टैग क्या है, जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे हो, शी लाइक्स टेनिस, डजंट शी. तो ये वाला जो रेड में लिखा हुआ है, ये क्या है, हमारा क्वेश्चन टैग. अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग इज अ स्मॉल क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. क्वेश्चन टैग्स किसके लिए यूज होते हैं, आर यूज्ड व्हेन आस्किंग फॉर एग्रीमेंट और कन्फर्मेशन. ठीक है, किसी स्टेटमेंट के लास्ट में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन टैग होगा. और ये पूछा किसके लिए जाता है, कन्फर्मेशन के लिए. ठीक है, जब हमें डाउट होगा सिचुएशन में कि क्या ऐसा होगा, तब वैसी कंडीशन में हम क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जैसे इनकी इनकी फॉर्म क्या है क्वेश्चन टैग को यूज करने में. जैसे यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा. ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वर्ब टू बी की फॉर्म जितनी भी है, इज एम आर वाज वर बीइंग, तो उनके बाद प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म यूज होती है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म है जो प्रोनाउन की यूज होती है. तो जैसे ये एग्जाम्पल है, यू आर अ स्टूडेंट आरंट यू, तो आर के बाद कौन सी फॉर्म लगेगी प्रोनाउन की, सब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी प्रोनाउन की. ओके, नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ क्वेश्चन टैग. सबसे पहले सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग मस्ट बी इन सेम टेंस. ये सेम टेंस में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है तो क्वेश्चन टैग पास्ट में या फ्यूचर में हो जाएगा, वो हमेशा ही सेम टेंस में होंगे. ओके, उसके बाद ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव. इस चीज का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑलवेज यूज प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन यूज नहीं होगा, हमेशा प्रोनाउन ही यूज होगा. ठीक है, प्रोनाउन के फॉर्म वगैरह हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देखिए, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा. तो जो क्वेश्चन टैग होते हैं वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही यूज होंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब हम क्वेश्चन टैग्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. जैसे आर टीचर इज इंटेलिजेंट, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इजंट इट. Isn't it, हाँ ये बात भी ध्यान रखना कि हम यहाँ पे लिविंग थिंग की बात करें तो यहाँ पे इट का यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे ही और अगर शी की बात होगी तो ही और शी की बात करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन टैग यहाँ प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट होगा और इसके साथ हमें प्रोनाउन को हमारे नाउन के जैसे ही यूज करना है. ठीक है, तो टीचर था तो यहाँ पे इट नहीं होगा, यहाँ पे ही और शी यूज होगा. नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो है द बॉयज आर नॉट गोइंग ऑन पिकनिक, द बॉयज आर नॉट गोइंग ऑन पिकनिक. तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका, आर दे, आर देश इसका क्वेश्चन टैग बनेगा क्योंकि नॉट में था, नेगेटिव था,
तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो कौन सा होगा, एफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव होगा. ओके एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शी कम्स हियर डेली, शी कम्स हियर डेली, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डज शी? नहीं, इसका ये क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. जो इसका करेक्ट क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या होगा, डजंट शी? तो क्या बनेगा, डजंट शी. डज शी तो नहीं होगा क्योंकि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है. तो हमने क्या देखा कि जो ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ये प्रोपोर्शनल होंगे. ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा. सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. ओके तो नेक्स्ट, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, है ना. जैसे हम यूज़ करते हैं द नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैविंग वर्ड्स सच एज, जैसे हार्डली, सेल्डम, बियरली, स्कार्सली, फ्यू, लिटल, आर फॉलोड बाय ऑर्डिनरी क्वेश्चन टैग दैट इज अफर्मेटिव. पॉजिटिव क्वेश्चन टैग फॉलो होगा. क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो हार्डली, सेल्डम, बियरली, फ्यू, लिटल, इनका मीनिंग ही पहले नेगेटिव होता है कि हार्डली कभी कभी ही ऐसा यूज होता है. तो अगर ध्यान से देखा भी जाए तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कौन सा यूज होगा, पॉजिटिव. ठीक, तो जो नेक्स्ट है, जैसे विद एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एनीबडी, तो इनके साथ जो क्वेश्चन टैग यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, दे. ओके दे यूज होगा इनके साथ क्वेश्चन टैग. अगर आप चाहें तो हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, कांट दे. ठीक है, तो इसमें हम दे यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में, प्रोनाउन. तो ये थे हमारे क्वेश्चन टैग. नेक्स्ट जो हम इसमें रूल डिस्कस करेंगे वो है यूज ऑफ बोथ. फ्रेंड्स, बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड एंड नॉट बाय एज वेल एज. बोथ के बाद एंड आएगा, एज वेल एज कभी नहीं आता. ठीक है, और एक चीज़ और है कि नेगेटिव शुड बी अवॉइडेड विद बोथ. बोथ के साथ पॉजिटिव सेंटेंस यूज होगा, नेगेटिव को हमें अवॉइड करना है. एग्जाम्पल, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर, तो यहाँ पे बोथ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नाइदर. नाइदर ऑफ देम, एक मिनट, नाइदर ऑफ देम आएगा, बोथ ऑफ देम नहीं, नाइदर ऑफ देम आएगा. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के साथ हमें बोथ को अवॉइड करना है. और उसके बाद नेक्स्ट है, बोथ यू एज वेल एज माई ब्रदर आर गोइंग देयर, तो यहाँ पे एज वेल एज नहीं आएगा, यहाँ पे एंड आएगा, बोथ यू एंड माई ब्रदर. ओके ये था बोथ का यूज. नेक्स्ट है यूज ऑफ आइदर, एनी वन, नाइदर, नन, ईच अदर, वन अनदर, इनमें से किसका यूज होता है, कब यूज होता है, ये हम अब डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आइदर, नाइदर, ईच अदर, ये तब यूज होते हैं जब वी आर स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स. और एनी वन, नन, वन अनदर, ये कब यूज होते हैं, जब स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू पर्सन और थिंग्स. ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे एनी वन ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव, आँखें तो दो ही हैं, तो यहाँ पे हम एनी वन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम आइदर का यूज करेंगे. या ठीक है, एनीवन का यूज नहीं किया जाएगा, सॉरी, एनीवन का यूज यहाँ पे नहीं किया जाएगा, यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, आइदर नाइदर का यूज किया जाएगा. ठीक है, आइदर या फिर नाइदर का. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, इंडियन शुड नेवर फाइट विद ईच अदर,
तो इसका क्या होगा, यहाँ पे ईच अदर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वन अनदर, क्योंकि आर इज अ पॉपुलस कंट्री है ना, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग रहते हैं, तो इंडियंस में तो सब आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ईच अदर नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे वन अनदर। ओके, तो ये थे हमारे कुछ रूल्स प्रोनाउंस के जो लास्ट वीडियो में रह गए थे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।